सभी को नमस्कार। बाबा नीमकरौली वृद्धाश्रम द्वारा वृद्ध महोत्सव 2022 दिनांक 27 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताएं हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से ऊपर थे उनका खेल और हुनर प्रतियोगिता थी। इसमें खास बात ये थी कि जनों को साथ लेकर इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री था और विशिष्ट संदेश पूरे हमारे समाज को दिया गया। आपकी इस प्रतिभा को, आपके इस सहयोग को, आपके इस समर्पण को हम हृदय दल की गहराइयों से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। महोदय आपको दीप प्रज्वलन स्तंभ पर ले जाने का कष्ट करेंगे। हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल इसी तरह से सूर्य नृत्य हमेशा हमें आनंदित करता है, आह्लादित करता है। सूर्य ऊर्ध्वमुखी हो चुके हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो इस बात का परिचायक है कि कोई शुभ घड़ी आने ही वाली है। यह ऊर्ध्वमुखी सूर्य बता रहा है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन सुनिश्चित हो चुका है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरनेसर हमारे मध्य हैं। कनक चंद जी उनके अगवानी करते हुए एनसीसी के जवान उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए श्री मनीष चंद जी अगवानी में इस दल में शामिल हैं। रोहित और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हम सबके मनों में उल्लास भरता हुआ श्री नरेश शाह जी, श्री मदन और हमारे महानिरीक्षक महोदय, जिनके मन मानस में बुजुर्गों के प्रति हमेशा सम्मान है, हमारे मध्य है। बाजे गाजे के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित कर लिया गया है। छोरियारोह में शामिल हम आभारी हैं श्रीमती कनक चंद जी का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह हर वर्ष ऐसे आयोजन करते रहें। और बच्चों ने भी यहाँ पे हम लोगों का बड़ा उत्साहवर्धन किया और हमें अलग से एनर्जी मिली। धन्यवाद। और आज का मुख्य आकर्षण जो रहा, इसमें खूब वाही वाही लूटी गई, वो था रैंप वॉक। अध्यापिका के रूप में अपनी सेवा जो चुकी है और विभिन्न कार्यों में समाज सेवा के रूप में अपनी प्रतिभा का सुनिश्चित करती है। सत्या उपाध्याय जी, सत्या उपाध्याय जी।
और दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी खूब लोगों का मन मोहा। सिंह जी, मैं बताना चाहूंगा ये मैराथन, फुल मैराथन, ट्राइथलॉन सभी जगह इन्होंने अपना पंचम लहराया और हमारे एलएससी से रिटायर्ड हैं, बट इन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं। द्वितीय स्थान पर तारादत्त कांडपाल जी और तृतीय स्थान पर श्री भुवनचंद शर्मा जी। मैं बताना चाहूंगा सर, जाने न पावे जीवन निरर्थक, जाने न पावे हे नाथ अब तो कहीं जा रहा है। साथ में गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। असली बात के लिए कोई नहीं रो पा रहा है, देखा जा रहा है इस दुनिया में। इसके अलावा कुर्सी दौड़, 100 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, 200 मीटर वॉक, योगा कंपटीशन, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह से कई प्रतियोगिताएं हुई और कई, और हम लोगों की आज जो है 5 साल हम और जवान हो गए हैं। ऐसे प्रतियोगिताएं होती ही रहनी चाहिए।